नीट के मुद्दे पर संसद में इस वक्त हंगामा हो रहा है, सीधे रुख करेंगे संसद का। यस यस सर, अलाउ 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 यस महासचिव महासचिव वेस्ट बंगाल श्री एस के नूरुल इस्लाम। वहां पे लेकर जाइए ना। हाँ हाँ परंपरा। और बारमूला में 59% पोलिंग हुई, जो आज तक कभी भी इतनी पोलिंग चुनावों में सहभागिता नहीं रही। लोकतंत्र के इस पर्व की, इस अवसर को निश्चित रूप से हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। यद्यपि हमारे विरोधी कुछ अधिक उत्साह और उच्छृंखलता में दिखाई पड़ते हैं, परंतु इन चुनावों में हमारी सरकार की स्वीकार्यता और विस्तार एक नए आयाम तक पहुंचा है। पहली बार हमने उड़ीसा में स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई, और हमारे विरोधी शायद भूल ही गए कि श्री नवीन पटनायक इससे पहले वहां कभी कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ करता था। अंतिम मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग जी थे जो कांग्रेस के थे, और ऐसा प्रतीत होता है कि उनको अब वो विषय विस्मृत हो गया है, यानी उन्होंने मान लिया कि वो उड़ीसा में अब सत्ता की लड़ाई में ही नहीं। दूसरा विषय इस चुनावों के संदर्भ में दक्षिण भारत का विषय आया था। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे विरोधी और विशेषकर कांग्रेस पार्टी इस विषय को बहुत उठाते थे कि दक्षिण भारत में उनका बहुत प्रभाव है। तो मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गठबंधन ने और भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत में भी कांग्रेस से अधिक वोट प्राप्त करके दिखाए। तेलंगाना में हमारे 8 सीटें ही नहीं है, हमारा मत प्रतिशत 35% है। कर्नाटक में हमारा मत प्रतिशत 45% है। केरल में हमारी 1 सीट आई है मगर 17% मत है। और सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तमिलनाडु में कांग्रेस को 10.25% वोट मिला है और भारतीय जनता पार्टी को 11.5% वोट मिला है। यानी तमिलनाडु में भी हमने पहली बार 2.5 अंक में मत प्रतिशत प्राप्त किया है और कांग्रेस से अधिक वोट प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। यानी किसी जमाने में जब उनका नारा हुआ करता था कि सारे भारत से नाता है और सरकार चलाना आता है, आज वस्तुस्थिति यह हो गई कि इस चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने को मोदी जी के नेतृत्व में सारे भारत से नाता स्थापित करके एक वास्तविक अर्थों में पूरे भारत में अपना प्रभाव रखने वाली और जन समर्थन प्राप्त करने वाली राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में अपने को स्थापित किया। ये चुनाव पिछले लोकसभा चुनावों के मुकाबले बहुत अलग था। बिंदु क्रमांक 5 पर राष्ट्रपति महोदय ने स्मरण दिलाया कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने इन 5 वर्षों में। महोदय, हम सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसको पीछे छोड़ के बने? उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर बने जिसने कभी हमारे ऊपर हुकूमत की थी। और हम सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने, हम दुनिया के 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, हम दुनिया के 3रे बड़े सोलर एनर्जी के मैन्युफैक्चरर बने, हम दुनिया के 3रे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने। आज डोमेस्टिक सिविल एविएशन का सेक्टर भारत का दुनिया में 3रे नंबर का हो गया है, और हम 2रे नंबर के मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चर बनाने वाले देश बने, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हम दुनिया के नंबर 1 के देश बने, और डिजिटल पेमेंट में हम दुनिया में नंबर 1 के देश बने। और महोदय, इतना ही नहीं हुआ, पिछली लोकसभा और इस लोकसभा के बीच में चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाले हम दुनिया के पहले देश बने, जिसका राष्ट्रपति महोदय ने उल्लेख किया। निश्चित रूप से उसमें हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, परंतु प्रधानमंत्री जी का निरंतर संवर्धन, सहयोग और संबल उन्हें प्राप्त होता रहा। महत्वपूर्ण बात यह रही कि उस पॉइंट का नाम प्रधानमंत्री जी ने क्या रखा, पॉइंट शिव शक्ति। यानी हमारी स्त्री शक्ति को वो स्थान चांद की ऊंचाई तक देने का काम किया
और यहीं पर मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय, इसी समय देश में कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उससे हमें लड़ना है, और दूसरी तरफ हमारा संकल्प ये है कि उस शक्ति को चांद की ऊंचाई तक ले जाकर स्थापित करना है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, चुनाव संपन्न हुए मगर ये चुनाव एक मामले में इस देश के अद्भुत चुनाव थे। सामान्यतः चुनाव होते हैं, चुनाव परिणाम के दिन एक पार्टी के कार्यालय में मिठाई बंटती है, धूम धड़ाका होता है, दिवाली होती है और दूसरे की जगह गलियारे खाली नजर आते हैं। मगर ये चुनाव एक ऐसे चुनाव थे महोदय जहां दोनों जगह मिठाई बंट रही थी, दोनों जगह पटाखे छूट रहे थे, भाजपा कार्यालय में भी और कांग्रेस कार्यालय में भी। ऐसा क्यों हो रहा था? हमें तो स्पष्ट बहुमत मिला, लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, मगर वहां पर तालियां क्यों बज रही थी? महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट की संख्या नहीं प्राप्त कर पाए, चुनाव के बाद उनके चेहरे की चमक देखिए, उनकी आवाज की खनक देखिए, उनके जलवे में धमक देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। उसका कारण यह है महोदय कि एक बच्चा होता है जो टॉपर होता है, जिसे डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने थे, वो फर्स्ट डिवीजन मार्क्स पाए तो उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं होती है, और धड़ाधड़ फेल होने वाला बच्चा ग्रेस मार्क्स पाके अगर थर्ड डिवीजन पास हो जाए तो उसके चेहरे पे बहुत खुशी होती है।